Prime Minister-designate Narendra Modi will be sworn in as India's Prime Minister at 7:15 p.m. tonight from the grounds of the Rashtrapati Bhavan. Tonight, ahead of the ceremony, Prime Minister Modi has called for a tea at his residence. BJP leaders Amit Shah, JP Nadda, BL Verma, Pankaj Chaudhary, Shivraj Singh Chauhan, Annapurna Devi, Arjun Ram Meghwal, Jyotiraditya Sindhya, Manohar Lal Khattar, Raksha Khadse, Nityanand Rai, Harsh Malhotra, Bhagirath Chaudhary, HD Kumaraswamy of the JDS, along with many others, have all arrived for this tea at the Prime Minister's residence in Delhi. Manohar Kesri, my colleague, is joining us for more details on this story. Manohar, take us through all the names that have arrived there at Prime Minister's residence. Who all from the BJP are there? Who all from the allies are there, Manohar? देखिए बिल्कुल उदय, मैं अभी प्रधानमंत्री आवास के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर टी मीटिंग शुरू हो गई है प्रधानमंत्री की, जिसमें तमाम जो घटक दल के नेता हैं जिन्हें ओथ सेरेमनी में शपथ लेने के लिए बुलाया गया है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं सीधे अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि यहाँ का नज़ारा दिखाएं। देखिए सभी नेताओं की गाड़ियाँ यहाँ पर लग चुकी है और जहाँ तक घटक दलों का सवाल है तो आप देखिए जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चिराग पासवान पहुँच चुके हैं, वहीं सुदेश महतो जो आसू के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं और झारखंड से आते हैं, उनके दो बार कंटिन्यू जो है सो सांसद जीत करके गिरिडीह से आए हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, रक्षा खाडसे, नित्यानंद राय, हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से आते हैं, भागीरथ चौधरी जेडीएस से, एसटी कुमारास्वामी को भी केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा वो भी टी मीटिंग में है, अर्जुन राम मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी जो दूसरी बार जीत करके आई है झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से वो भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान वो हैं, पंकज चौधरी हैं, बीएल वर्मा हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, इसके अलावा किरण रिजिजू, जितिन प्रसाद, रवनीत सिंह बिट्टू जो आम आदमी पार्टी से थे और माफ़ कीजिएगा कांग्रेस से थे और अब बीजेपी में शामिल हुए, हालांकि उन्होंने चुनाव हार गए लेकिन उनको भी टी पार्टी में बुलाया गया है, वो भी केंद्रीय मंत्री की शपथ ले सकते हैं। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह हैं, राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से राज बब्बर को हरा करके आए हैं, अजय टमटा, इसके बाद मैं बात करूं तो कई ऐसे नाम हैं वो भी टी पार्टी में शामिल हैं, जैसे निर्मला सीतारमण हो गए, अश्विनी वैष्णव उनको भी कॉल आई, सर्वानंद सोनवाल वो हैं, ये तमाम लीडर्स हैं जो टी पार्टी में शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल अगर हम बात करें मनोहर कुछ चौंकाने वाले नामों की जो शामिल है वहाँ, वो कौन है? कुछ अगर हम बात करें कुछ ऐसे नाम जिनकी चर्चा हो रही थी मगर वो नहीं पहुँचे हैं वहाँ, ये कौन है? देखिए बिल्कुल अगर हम चौंकाने वाले नाम की बात करें, हालांकि न्यूज़ एक्स पहले भी चला रहा था और क्यास लगा रहे थे हम लोग कि रामनाथ ठाकुर जो बिहार से आते हैं और जेडीयू के कुर्ते से हैं, सबसे पहले कॉल उनको गई और जेपी नड्डा की कॉल गई, क्योंकि सभी नेताओं को टी मीटिंग के लिए जेपी नड्डा के यहाँ से कॉल गई, जेपी नड्डा से बातचीत हुई है। तो रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जेडीयू खाते से सांसद जीत करके आए हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही महीने पहले भारत रत्न के सम्मान से कर्पूरी ठाकुर को नवाजा गया था। एक वो है कास्ट कॉम्बिनेशंस और रीजनल कॉम्बिनेशंस को देखते हुए इन तमाम लोगों को इनवाइट किया गया है। दूसरा नाम रामदास अठावले हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं, वो महाराष्ट्र से आए हैं, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने कहा कि इसका असर आगामी जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में उसका ज़रूर पड़ेगा, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है खास करके दलित समुदाय का उसका वोट जो है तो फ़ायदा पहुँचाएगा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में। इसी तरह कई ऐसे नाम हैं जो इस मीटिंग में शामिल हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं पहुंच पाए, हो सकता है उनको कॉल जानी बाकी होगी या कॉल गई हो तो वो नहीं आए हों, या ये भी औपचारिक तौर से पता नहीं चल पाया है, लेकिन जब 7:15 में ओथ सेरेमनी होंगे उससे पहले औपचारिक तौर से एक फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी, उस फाइनल लिस्ट से हम व्यूअर्स को एक एक करके बताएंगे कि औपचारिक तौर पर कौन ओथ लेने जा रहे हैं। जी For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.